कंगना रनौत को न्याय दिलाने के लिए हमीरपुर में भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन करने के बाद महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। हमीरपुर के गांधी चौक पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश बबली की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद पदाधिकारियों ने डीसी हरिकेश मीणा के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राकेश बबली ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के साथ अन्याय किया है और बीएमसी के द्वारा भी कंगना के ऑफिस व घर पर हो रही कार्रवाई को गैर कानूनी ठहराया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के माध्यम से मांग की है कि जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करके महाराष्ट्र सरकार को निर्देश जारी किए जाएं। हमने हिमाचल प्रदेश में आज सभी जिला केंद्रों के ऊपर जो महाराष्ट्र की सरकार का तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ हिमाचल की बेटी कंगना रनौत ने जो माफिया के खिलाफ ड्रग्स माफिया के खिलाफ आवाज उठाई है उसको लेकर हिमाचल प्रदेश के किसान सभी एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए और जिलाधीश के माध्यम से आज हम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसका न्याय कंगना रनौत को मिलना चाहिए। वो एक तरफा फैसला वहाँ की सरकार ने, वहाँ की कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने एक तरफा फैसला किया है, उसके खिलाफ हमने आवाज बुलंद की है। हमारी मुख्य मांग यही रहेगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जितना भी जो ड्रग्स माफिया है जिनके नाम आए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि कंगना रनौत ने यही कहा है कि महाराष्ट्र और विशेषकर मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा माफिया जो युवाओं को इस नशे में धकेल रहा है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी मांग हम राष्ट्रपति और देश के गृह मंत्री जी से करेंगे। राकेश बबली ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में गुड़िया मामले में भी बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है और प्रदेश में एक बोर्ड बनाकर न्याय दिलाने के लिए काम किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के बच्चियों में ऐसी घटना ना हो इसके लिए बोर्ड का गठन किया है। उन्होंने बताया कि कंगना रनौत हिमाचल की बेटी है और इसीलिए भाजपा के लोग आज सड़कों पर उतर कर न्याय मांग रहे हैं। नहीं नहीं, हम कहाँ भूल चुके हैं उसके ऊपर, तो हमने कितनी कार्रवाई की है, सारी प्रोसेस है उसके ऊपर। हमने तो एक बोर्ड बना दिया ताकि आने वाले समय में जो उस समय अन्याय एक गुड़िया के साथ हुआ है वो आने वाले समय में प्रदेश में ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, हमने गुड़िया के उसमें एक बोर्ड का गठन किया ताकि वर्तमान में इस तरह की कोई घटना ना हो प्रदेश की बच्चियों के साथ। नए हो रहे उनके पक्ष में, हम कंगना रनौत हिमाचल की बेटी है और देश के अंदर सारा देश ही, हिमाचल ही नहीं पूरे देश के अंदर अपने किसानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने एक आवाज उठाई है उसके पक्ष में हमने भी कही। और ऐसा नहीं कि कांगड़ा के अंदर कोई अन्याय होता तो उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी आवाज बुलंद करेगी चाहे हमारी अपनी सरकार क्यों ना हो। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह राणा ने कहा कि आज भाजपा किसान मोर्चा के सदस्य गांधी चौक पर कंगना रनौत को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अपने संवैधानिक न्याय से हट चुकी है जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं जिसके चलते कंगना रनौत पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने मांग की है कि कंगना के तोड़फोड़ का खर्च बीएमसी या महाराष्ट्र सरकार अदा करे। महाराष्ट्र सरकार जो है वो अपने संवैधानिक दायित्व से हट चुकी है, क्योंकि जो लोग एक्सपेक्ट करते थे भाई महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है तो वो जैसे बाला साहब जी बोलते थे उसके हिसाब से चलेगी, मगर वही है कि जब इसको कांग्रेस और नेशनल ये दूसरी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी जो है इसकी शरद पवार की, इन्होंने खींचा तानी करके इनको चलने नहीं दे रहे हैं। और जो भी सरकार में महाराष्ट्र में चल रहा है वो उद्धव ठाकरे तो एक पपड़ बना हुआ है, जो भी चला हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस की पॉलिसीज के ऊपर चला हुआ है। और जैसे आपको पता कि कांग्रेस की पॉलिसीज हमेशा ही देश के लिए प्रदेश के लिए घातक रही हुई है। यही है तो कंगना को न्याय मिलना चाहिए, जो उसको तोड़फोड़ उसने 2-2.5 करोड़ का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो बीएमसी या महाराष्ट्र सरकार करे। भाजपा की हमेशा पॉलिसी रही है कि जो भी मजलूम आदमी है चाहे वो औरत है चाहे वो पुरुष है उसके पक्ष में हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है।